Thank you.
ભાઈ ભાઈ આગળ ગુચો.
मेरा नाम मनोज है, मेरा नाम है शंकर पाल, मैं वेस्ट बेंगल मित्रपुर से बिलोंग करता हूँ, और जिसका जो कोरोना में दैनिक बदल ऑल ओवर इंडिया दैनिक बदल करते करते घूम रहा हूँ। तो कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी उनके पास हो जहां से वो
अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको चेस कर पाए। तो इसमें भी एक तकलीफ होता है, हम लोग जानते हैं कि सबके पास बिजनेस करने का साधन नहीं रहता है। सभी चाहते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनूं, बड़े बिजनेसमैन बनूं, लेकिन सबके पास साधन नहीं होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर आता है हम जो इंडस्ट्री में है, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वहां पर सबसे आगे आता है कि हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जो समाज के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहां पर आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने कोई भी ड्रीम हो, आपके कोई भी सपने हो, वो सपना आप पूरा कर सकते हो अपने दम पर। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खासियत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यह होता है कि यहां पर इतने सारे कंपनी हैं, तो सही कंपनी कैसे चुन, कौन सा कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, पावर है, वो कौन सा ऐसा कंपनी होगा जो मुझे वो पोटेंशियल पावर पूरे तरीके से मुझे देगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है आज के डेट में आम इंसानों के लिए। सबसे ज्यादा परेशानी का चीज होता है ये। सब सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, यहां से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी है कि सही कंपनी चुनना। तो आज मैं डायरेक्ट बाजार को आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन एक कंपनी कैसे चुनना है और कौन से चीज को देखना है, वो चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को छोटे से कुछ दो तीन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसे है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइसिंग। सबसे पहला चीज, वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइसिंग में कैसे है। अभी आप डायरेक्ट बाजार के बारे में सोचोगे एक बार, तो सभी जो यहां पर एसोसिएट बैठे हैं, सभी को पता है डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड के कोई भी एक प्रोडक्ट आज के डेट में कोई बता सकता है जो क्वालिटी, क्वांटिटी या प्राइसिंग में इंडिया में पीछे रह जाएगा? ऐसा कोई प्रोडक्ट है सर डायरेक्ट बाजार में? नो। हेलो, ऐसा कोई प्रोडक्ट है डायरेक्ट बाजार में? नो। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग आप किसी भी तरीके से देखोगे तो डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड का हर वक्त ये कोशिश रहता है, मैनेजमेंट का हर वक्त ये कोशिश रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, बेहतर से बेहतर क्वांटिटी प्रोवाइड किया जाए और उसके साथ साथ कम से कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जाए। और इसी मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, उसके बाद एक कंपनी का दूसरा चीज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट में बताने वाला हूं, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है पेमेंट, पेमेंट सर्कुलेशन। आज तक जितने भी एसोसिएट हैं यहां पर, चीनू जी ने 2 साल से कुछ ज्यादा हो गया, 2 साल हुआ होगा उनका, संदर पाल, दीपंकर पाल उनसे कुछ और ज्यादा समय तक है, उसके साथ साथ चांद खान सर है उनका थोड़ा और टाइम हो गया है, और बहुत सारे एसोसिएट हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने काम कर रहे हो। तो आज तक आपको कोई एक बता सकते हो कि कंपनी ने जो कमिटमेंट किया आज तक, गुरुवार जो पेमेंट देने का बात आया, कभी भी कहीं पर भी किसी भी इशू में आज तक
कि डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है और आगे चलकर क्या करना चाहता है, ये समझने के लिए मेरे बातों पर जाने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल काम कर रहे हो, आप खुद का एक्सपीरियंस अगर एक बार याद करोगे घर में बैठ के, बोलने का जरूरत ही नहीं। आप लोग देख रहे हो कि इतिहास बन रहा है। जो 2016 में हम लोगों ने बोला था हिस्ट्री स्टार्ट्स नाउ, जो पहला प्रोग्राम हुआ था साइंस सिटी में, वहां पर हमारा मंत्र था हिस्ट्री स्टार्ट्स नाउ, इतिहास लिखा जा रहा है। आज के डेट में 3 साल क्रॉस करके डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड ने वो चीज प्रूफ कर दिया है। Thank you, sir.
Yeah!
क्या समझना डायरेक्ट बजट पर करने के लिए आपको कोई डिग्री का जरूरत नहीं होता, आपको अच्छा बोलने का जरूरत नहीं होता, आपको अच्छे घर से आने का जरूरत नहीं होता, आपको ज्यादा पैसा जरूरत नहीं होता, आपको एजुकेशन का जरूरत नहीं होता, दिल का जरूरत होता है। पहले तो खुद को जानना पड़ा है।